पीपल, हम भारत के लोग। अब मीटिंगें बहुत तेजी से हो रही हैं और चारों तरफ अब मीटिंगों का दौर चल रहा है। फिजिकल मीटिंग यानी जो रियल मीटिंग है वो भी हो रही है, और रियल के अलावा जो वर्चुअल मीटिंग है वो तो रोज होती है और कई होती है। तो कैसे आपको काम करना है, क्या करना है, क्योंकि ये समूह इसका नेतृत्व करता है और सभी लोग इसके वी द पीपल के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। सामूहिक नेतृत्व चलता है, इसलिए एक दूसरे की पहचान कैसे हो कि अब हम वी द पीपल हैं या नहीं, समण संघ में हम आए या नहीं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि समण संघ में जितने भी भारत में समण लोग हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी हैं, मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, इंडिजिनियस हैं, एबोजनी हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं, तो वो सारे लोग इसके मेंबर हैं समण संघ के। अगर वो भारत में पैदा हुआ है और वो समण संघ में है या समण व्यक्ति है, और जो भारत के बाहर भी समण हैं, वो सारे के सारे जो एक बार पैदा हो गए वो इसका मेंबर है। इसकी कोई फीस तो है नहीं, ना ही समण संघ में पब्लिक से पैसा लिया जाता है। आपसे कोई पैसा मांगने आए तो आप मना कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो इसके एक्टिव मेंबर हैं, जो हजारों की संख्या में हैं, वो इसका खर्चा, थोड़ा बहुत खर्चा होता है, वो चला लेते हैं। तो ये जो समण संघ है, समण संघ में आप कैसे जुड़ेंगे? एक वी का साइन है जो यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ, वी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में हम लिखते हैं, पंजाबी में असी लिखते हैं, और गुजराती मराठी में अमी लिखते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग शब्द हैं। तो आप हम वाला जो शब्द है, जिसमें काला गोल एक बैकग्राउंड है और पीले से रंग से ये लिखा हुआ है, और एक इसमें लाल रंग की छोटी सी पट्टी आती है, ये इसकी पहचान है। ये वी आप अपने कार पे लगाइए, अपने घर पे लगाइए, अपने दफ्तर पे लगाइए, अपने मोहल्ले में लगाइए, अपने धर्म स्थल पे लगाइए, अपने धम्म स्थल पे लगाइए, अपने संत स्थल पे लगाइए, अपने जहाँ जहाँ भी आपका आना जाना है इसको वी को लगाइए, अपने डीपी पर लगाइए, अपने फेसबुक पर लगाइए, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें लगाइए, जो संस्था आपकी है उसमें लगाइए, जो आपका लोग है उसके साथ लगाइए। जहाँ जहाँ आपको ये वी लगा दिखे, इसका मतलब वो समण व्यक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वो भारत का समण नागरिक है। अब आप कह सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया तो भारत में सभी होते हैं, ये बात ठीक है, मगर हम सिर्फ समण के लिए काम कर रहे हैं, वमण के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वमण को काम की आवश्यकता नहीं है। वमण ने अपना काम किया हुआ है, उनके पास सब है, उनके पास कोठी है, बंगला है, नौकर हैं, चाकर हैं, हवाई जहाज की यात्रा है, देश विदेश घूमना है, विदेशों में पढ़ना है, सोना है, चांदी है, बॉन्ड है, सब चीज़ है उनके पास में, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, इज्जत है, सब कुछ उनके पास है। तो जिनके पास नहीं है, यानी जो समण समाज है, हम उनकी बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। अगर उनका उठाव होगा, वो अपलिफ्ट होंगे, तो देश ऊपर उठेगा। क्योंकि जिस देश में जितने ज़्यादा नागरिक समृद्ध होते हैं, जितने ज़्यादा नागरिकों के पास में सारी चीज़ें होती हैं, वो देश उतना ही बड़ा और उतना ही कामयाब होता है। यूरोप के देशों के कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए हैं। यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के जो कंट्री हैं, या अमेरिका जैसा कंट्री है, या जो हमारे एशिया के अंदर जो डेवलप कंट्री हैं, उनकी सबसे खास बात यही है कि वहाँ सारे व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, सबके पास जमीन जायदाद बराबर है, सबके पास बैंक बैलेंस है, सबके पास पैसे हैं, सबके पास कोठी है, सबके पास कार है, सबके पास में इज्जत है, सबकी वहाँ सुनवाई होती है, सबके पास वहाँ काम है, और सबको वहाँ रोजगार मिलता है, और सारे मौके बराबर मिलते हैं, इसलिए वो डेवलप कंट्री हैं। तो ये भारत एक समय, अशोक के समय, ये बहुत डेवलप कंट्री था। यहाँ की जीडीपी पूरी दुनिया की 26% थी, या हर व्यक्ति सुखी था, हर व्यक्ति के पास पैसे थे, हर व्यक्ति के पास जमीन जायदाद खेत थे। अशोक का संघ था, सारे जुड़े हुए थे, इसलिए वो सारी चीज़ें आईं। 400-500 साल पहले की कहानी है, जब ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, समानता और असमानता में बहुत बड़ा भेद आ गया है, तब ये सारी चीज़ें कम हुई हैं। संविधान के आने के बाद में जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड बोलते हैं, उनको कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ अधिकार उनको और मिल जाएंगे, या जो अधिकार उनके बराबर हैं उनके मिल जाएंगे, तो फिर भारत समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे लोग बराबर हो जाएंगे, गैर बराबरी यहाँ बहुत कम रह जाएगी, तो फिर हम दुनिया से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। इसलिए समण संघ में आपको वी लगाना जरूरी है। वी लगाने से आपकी पहचान समण संघ में होती है, आपका हौसला बढ़ता है, आपके कारोबार बढ़ेंगे, आपस में रिश्तेदारी बढ़ेंगी, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, आपके पैसे कम खर्च होंगे, बचेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, तो आपका परिवार तेजी से आगे बढ़ेगा। संकट में एक दूसरे के साथ
हाथ बढ़ा के चलेंगे तो संकट निकल जाएगा। इसलिए वी का लोगो लगाइए, वी का चिन्ह जितनी जल्दी आप लगा लेंगे, वी का सिंबल जितनी जल्दी आप लगा लेंगे, उतनी जल्दी आपके दुख दर्द दूर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक ऐसे जैसे इसराइल में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी पैदा हो, वो इसराइल का सिटीजन होता है और उसको इसराइल की सारी सुविधाएं मिलती हैं जो इसराइल के एक नागरिक को मिलती हैं। 700-800 हज़ार डॉलर की तो पेंशन ही मिलती है जो काम नहीं करते उनको, यानी $1,000 की जो पेंशन है वो भी 70-80 हज़ार रुपये की बैठती है। तो इसलिए अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो सबकी सुख सुविधा होगी, जो काम करेंगे वो काम करेंगे, जिनको काम नहीं मिलेगा उनको पेंशन भी मिलेगी, ऐसा भी नियम बन सकता है। धन्यवाद।